नमस्कार भैया बहनी, अपना पचे देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। सेमरिया के विधायक केपी त्रिपाठी के ऊपर अपराधीन का ही संरक्षण दे के आरोप लागत ला हुए। अपकालीन के बाद आए जब सगरा थाना के इटहा माही राम प्रकाश यादव के गोली मार के हत्या के दिन गए। अपना का बताए कि आरोपी आदतन अपराधी है जौन के कुछ दिन पहले कट्टा के साथ है पकड़ान रहा, लेकिन कहा जात हबे कि आरोपी का छुड़वावे माही केपी त्रिपाठी के हाथ रहा हबे। भैया बहनी, आरोप हम नहीं लगाए रहे, यमे के आरोप लगाए रहे हम मृतक के भाई और बहनी मीडिया के सामने। अपना का बताई के अपराधीन का संरक्षण दे के आरोप पहले कई एक बेर से मरिया विधायक का लग चुके हम, और ऐसा माना जा रहा है कि राजनीतिक संरक्षण के चलते आरोपी गरीब किसान का मार के फरार होगा। सब घटना के जगह में पड़ा हवा और अब परिजन आरोपी के गिरफ्तारी के साथ है आर्थिक मददों के मांग कर रहे हम। वह घटना के जानकारी लगता है कई दलन के प्रतिनिधियों पहुंच गए और पीड़ित के न्याय दिवावे खातिर मांग करातला हम। अब न सुनी मृतक के भाई बहनी कौमे के आरोप लगाए हैं वह त्रिपाठी जी पर। कल की घटना में हम लोग को ये 7 बजे करीब पता चला है कि दीपक शर्मा ने गोली मारा है, और साथ में वो मतलब जहाँ ये बुवाई करवाने गए थे जिनके साथ में थे अमन मिश्रा, इन्होंने घर जाके बताया है कि ये गोली मारे हैं दीपक शर्मा, और साथ में राजन सिंह भी थे साथ में। पहले पकड़ गया था कट्टे से ही कट्टे के साथ पकड़ा था 2 महीना पहले अजगरहा में, फिर वहाँ से थाना ले जाया गया यूनिवर्सिटी थाना, फिर वहाँ से केपी त्रिपाठी सर का हाथ था छुड़ाने में कट्टा सहित, तो उसको छोड़ा गया है जिसी उसी कट्टे से इनकी मौत हुई है। चाहती हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सगरा थाना वाले पुलिस साहब जो हैं तो उन्हीं के यहाँ हीरामणि शर्मा के यहाँ ब्रश किए हैं और चाय नाश्ता आराम से कर रहे थे। जो हत्या किया उसके घर में, जो हत्या किया है हत्या किए हैं दीपक शर्मा, उसी के जस्ट पीछे घर है हीरामणि शर्मा, जिनका पूर्ण सपोर्ट है उसको बढ़ावा देने का और मारने का। जो क्या लगता है कि न्याय नहीं मिल पाएगा, पुलिस उन्हीं के यहाँ जो अपराधी है उन्हीं के लग रहा है सर, क्योंकि हमारे यहाँ जितना भी आया 4-5 साल से मैं जब से जाना हुई तो चल रहा है, हम लोग रिपोर्ट करने जाते हैं, FIR सगरा थाना में नहीं लिखते, सीधे बोल देते हैं कि वो मारते हैं तुम लोग बच के रहो, वो बहुत लोग हैं तुम अकेले हो। उन्हें पकड़े गए जब दीपक शर्मा तीसरे चौथे रोज गांव में कट्टा धमकी दिया, एक हरजन के घर ला दिया पहले शुरू में, ये लोग रहे उसको बरजे तो वो भाग गया, हम लोग जाके आगे बुताए और फिर झगड़ा किया तो पकड़ गया यूनिवर्सिटी थाना में, फिर कट्टा समेत फिर उनको विधायक छोड़वा दिए। कौन विधायक? केपी सेमरिया का विधायक छोड़ा दिए और कट्टा सहित छोड़ा दिए, तो वो वही कट्टा से काल मॉडल कर दिया। क्या विधायक का संरक्षण मिला हुआ था क्या उसको? हाँ, विधायक उसका रिश्तेदार है। एक महीने की ये जो मारा है इसके ऊपर 20-25 मुकदमे अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, और वो केपी त्रिपाठी विधायक का रिश्तेदार है। उसकी बहन और वो भाई बता रहे हैं कि 1 महीना पहले जब ये कट्टा के साथ थाने में बंद हुआ था तो विधायक स्वयं जाकर इसको कट्टे के साथ छुड़वा दिया था। एक के बाद एक लगातार हो रही चोरी माही, कालहिन रात के चोरी करत दू चोरन का वह मोहल्ला के लोग रंगे हाथ पकड़ लेन, जिसके बाद यह उम्मीद हो ला ही वे कि वो इलाका माही चोरी के घटना में कुछ राहत मिल सका थी। अपना का बताई कि सिटी कोतवाली माही आनंद मार्ग स्कूल के सामने खड़ी मारुति कार से बैटरी और टेप रिकॉर्डर चोरी करते के नियरन रहे वाले लोगन के नजर चोरन पर पड़ी और मौके माही उनका पकड़ लिहीन और पुलिस के हवाले कर दिन। अपना का बता दे कि चोर पुलिस के पूछताछ माही के पहले के चोरी माही अपन हाथ होप का गोली नहीं पे। सर मेरी वैन है मारुति वैन, मैं अपने घर के सामने खड़ी करता हूँ हमेशा, वहीं पे हमेशा खड़ी करता हूँ। तो परसों रात को मैं खड़ी किया रात को 11:30 बजे के आसपास, फिर जब मैं कल सुबह उठा मेरे ख्याल से 8-9 बजे थे, तो मेरे गाड़ी में बैटरी भी नहीं थी, गाड़ी की बैटरी नहीं थी, टेप नहीं था, 2 स्पीकर नहीं थे। नगर निगम के कचरा गाड़ी के खराब होने से रीवा माही घंटन जाम लगा रहा, जाम में फंसे लोग खासा परेशान थे, पहना था प्रशासन और ना यातायात पुलिस मौके पर पहुंची। नगर निगम के खटारा गाड़ी के चलते घंटन जाम लगा रहा और जाम लगे के कारण नगर निगम के कचरा गाड़ी आए जो 20 सड़क में खराब है, वह जाम लगे के एक और बड़ा कारण यह हवा कि लोग पैसा का बचावे खातिर अपने गाड़ी का सड़क के किनारे पार्क कर दे थमा, लेकिन यातायात पुलिस ए पर कोनो ध्यान नहीं दे पा रही है।
चलिए भैया बहनी, आज की खबर यही थे समाप्त करी थे। बघेली खबर देखने खातिर जुड़े रही विराट 24 के साथ। नमस्कार।